गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूँ मैं अपने एक और नए वीडियो में आपका। और मैं भी आ गया हूँ बलौदा बाजार से 25 किलोमीटर दूरी पर क्राम पलारी में। बहुत पुराना शिव मंदिर है, इसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये 7वीं-8वीं शताब्दी में बना है ये मंदिर, बहुत बहुत पुराना है और ये ईंटों से बना है, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको अभी सिद्धेश्वर महादेव का बहुत खूबसूरत दर्शन कराने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और ये मंदिर के पूरे चारों तरफ का अपना नज़ारा दिखाऊंगा। और ये बालसमुंद तालाब के पास है, बहुत खूबसूरत तालाब, बहुत बड़ा का तालाब है। और यह मंदिर बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे तो बहुत आनंद आपको आएगा। तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ सिद्धेश्वर महादेव का, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस ये है मंदिर और ये है बाहर का, मंदिर के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर आपको प्रसाद मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है बजरंग बली का, बोर्ड लगा है सिद्धेश्वर मंदिर पलारी। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर। और ये देखिए कितना खूबसूरत विशाल तालाब, बालसमुंद तालाब कहा जाता है इसे। और देख सकते हैं वहाँ पर नंदी महाराज बनाए हुए हैं उस साइड और उस साइड में भी। और ये है खूबसूरत मंदिर, ये पूरी तरीका से ईंटों से बना हुआ है और इसका निर्माण 7वीं-8वीं-20वीं शताब्दी में बताया जाता है। और ये मंदिर के सामने का पैसेज। यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई हुई है। देखिएगा इसे पूरा ईंटों से बना हुआ है ये मंदिर। सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। और ये आपको सामने नंदी महाराज के दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको द्वार में गंगा और यमुना नजर आएंगे, मूर्तियाँ बनाई हुई है। इस प्रकार है मंदिर के बाहर का नजारा।
है गाइस, तो मैंने आपको सिद्धेश्वर महादेव मंदिर दिखाया जो पलारी में है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है रायपुर रोड में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपको मैंने जैसा बना आपको दर्शन कराया सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का, पूरा कैसा है, किस प्रकार बना हुआ है, पूरा ईंटों से बना हुआ है, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।